यह वर्ष का वह समय है जब सैकड़ों लोग पहलगाम में स्थित एक गुफा के लिए प्रसिद्ध तीर्थयात्रा करते हैं, जिसका नाम अमरनाथ यात्रा है। गुफा को अमरनाथ कहा जाता है और यह जम्मू के हिमालयी क्षेत्र में 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अमरनाथ बर्फ मंदिर की वार्षिक यात्रा हिंदू धर्म का एक प्रमुख हिस्सा है। उनकी उम्र के बावजूद परिवारों के विशाल समूह शिवलिंग को श्रद्धांजलि देने के लिए चुनौतीपूर्ण पहाड़ी इलाके से यात्रा करते हैं। अमरनाथ की कहानी देवी पार्वती से शुरू होती है, जो अपने पति भगवान शिव से उन मोतियों के बारे में पूछती है जो उन्होंने अपने सिर पर दान किए थे। भगवान शिव उसे समझाते हैं कि उन्होंने सबसे पहले उनके जन्म के प्रतीक के रूप में मोतियों को पहनना शुरू किया। हर बार जब वह पैदा होती है तो एक मन का जोड़ा जाता है, जिसमें देवी जवाब देती है, मैं क्यों मरती हूँ और हर बार पुनर्जन्म लेती हूँ जबकि आप अमर हैं। शिव ने उन्हें अपनी अमरता के बारे में सच्चाई बताई, जिसे अमर कथा कहा जाता है। पार्वती बहुत उत्सुक होकर अपने पति से उसे कहानी सुनाने के लिए कहती है, और यही कारण है कि भगवान शिव एक सुनसान गुफा पाते हैं ताकि कोई और कहानी न सुन सके। रास्ते में वह अपने सभी आभूषण तत्व और अपने साथी नंदी को त्याग देता है। गुफा में पहुंचने के बाद उसकी आज्ञा पर कलंगी गुफा के चारों ओर की जगह को जला डट है ताकि कोई जीवित प्राणी जीवित न रह जाए और कहानी पर छिप जाए। गुफा में शिव ध्यान से गुजरते हैं और अपनी पत्नी को कहानी सुनाते हैं। संयोग से हिरण की खाल से बने बिस्तर के नीचे एक एकल अंडा अप्रभावित रहता है और जुड़वा कबूतर खोल से बाहर निकलते हैं। इस तिथि तक वे अमर रहते हैं और लोगों द्वारा देखे जा सकते हैं। इतिहास स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि बूटा मलिक नामक एक गरीब मुस्लिम चरवाहे को 1850 में गुफा मिली थी। किंवदंती के अनुसार एक संत द्वारा कोयले का एक थैला, जो बाद में सोने में बदल गया, उसे ईमानदारी से धन्यवाद देने के लिए चरवाहा वापस चला गया, लेकिन संत को खोजने के बजाय उसने गुफा और शिवलिंग को खोज लिया। मंदिर की खोज की एक और कहानी यह है कि भृगु मुनि ने कश्मीर की घाटी में गुफा की खोज की थी, और यह वह था जिसने स्थानीय ग्रामीणों को दिव्य बर्फ मंदिर के अस्तित्व की सूचना दी थी। अगर हम इसे वैज्ञानिक रूप से देखें तो संरचना सिर्फ एक गतिरोध है जो गुफा की छत से पानी की जमी हुई बूंदों के गिरने के कारण बनती है। मई से अगस्त के महीनों के दौरान बर्फ पिघलती है और मोम हो जाती है, और बाद के महीनों में पानी के लगातार रिसने के कारण कम हो जाती है। हिंदुओं के लिए स्टैलेगमाइट एक प्राकृतिक घटना से अधिक है, यह उनकी आस्था विश्वास और उनकी भक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान शिव के लिए जो बर्फ के मंदिर का प्रतीक है और जो भी उसे ढूंढता है उसे आशीर्वाद दत्त है।